हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 10 विज्ञान में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 26, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का सुधार, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो बच्चों इसमें देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है हमारा एक टॉपिक इसमें चैप्टर में रह गया है जिसका नाम है कोयला तथा पेट्रोलियम। और इससे पहले देखिए हमने इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ा था, वनों के बारे में पढ़ा था, और स्थानीय लोग जो वनों के लिए जीवित स्थानीय लोग होते हैं या वनों से जो प्रभावित होते हैं उनके लिए पढ़ा था। फिर हमने जल के बारे में पढ़ा था, ये बांध, ठीक है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो हमारा जल, कोयला और पेट्रोलियम। तो आज देखिए हम इसको पढ़ेंगे और आज हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम रिविज़न अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कोयले और पेट्रोलियम से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मिलती है। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्मीय ईंधन है जो कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व सल्फर के बने होते हैं। जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं किन किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं, और ये जीवाश्मीय ईंधन होते हैं, जलनशील पदार्थ होते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, जो पृथ्वी के हमें अंदर से मिलता है, ठीक है नहीं। पेट्रोलियम, पेट्रो चट्टाने तथा ओलियम तेल प्रकृति में तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है या अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतहों के नीचे भूगर्भ में पाया जाता है। तो देखिए, हमें जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ भाग में पाए जाते हैं। कोयला हमारे यहाँ पर जो होता है वो ठोस पदार्थ होता है, लेकिन पेट्रोलियम कैसी होती है? हमारे चट्टाने और तेल से निर्मित पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखिए, जानते हैं कि कार्बन कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में गहराई में दबे पेड़ पौधे और प्राणियों के जैव भार के निम्नीकरण से बनते हैं। अतः क्षयशील संसाधन है। खपत की वर्तमान दर पर पृथ्वी के ज्ञात पेट्रोलियम आरक्षित हमारे लिए केवल लगभग 40 वर्षों तक उपलब्ध रहेंगे या कोयला लगभग 200 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। देखिए, कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है? जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की जो गहराई में पेड़ पौधे दब जाते हैं, प्राणी जीव जंतु उनके उनके दबने से, और जो नीचे हमारा पृथ्वी के भूगर्भ में उच्च ताप पर, निम्न उच्च दाब पर ये हमें कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं जिससे हमें ये प्राप्ति होती है। अतः कैसे होते हैं? क्षयशील संसाधन होते हैं, ये खर्च होने वाले संसाधन हैं। खपत की वर्तमान दर पर, जैसी वर्तमान, देखिए वर्तमान में इनकी उपलब्धि या इनका उपयोगिता की जा रही है। पृथ्वी के ज्ञात पेट्रोलियम आरक्षित हमारे लिए केवल लगभग 40 वर्षों तक, जो हमारे पास पेट्रोलियम है पृथ्वी पर कम से कम कितना साल और रह सकता है? 40 वर्षों तक। और जो कोयला है वो केवल 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा, ठीक है। जो हमें कोयला पेट्रोलियम है वो लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी जो भूगर्भ में दबे हुए हैं और उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से हमें कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं जिसे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और देखिए, जितनी इनकी उपयोगिता है या जिनका इनका उपयोग किया जा रहा है उसके आधार पर पेट्रोलियम लगभग 40 वर्षों तक और कोयला हमारे पास 200 वर्षों तक और जो हमारे पास पेट्रोलियम वो 40 वर्षों तक उपलब्ध रह पाएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग, कोयले तथा पेट्रोलियम दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके भिन्न भिन्न उपयोग हैं। कोयले का उपयोग ताप वैद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल का स्टोर, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, कार, बसों, रेलगाड़ियों, ट्रकों, जहाजों और वाहनों को चलाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम दोनों से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, जो कोयले का उपयोग करते हैं वो ताप में या वैद्युत संयंत्र जो यंत्र होते हैं या बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है, और पेट्रोलियम का पेट्रोल और डीजल में जिनका यूज़ स्कूटर, मोटरसाइकिलों, बारों, बसों, ट्रकों आदि में किया जाता है या आदि वाहनों में किया जाता है। कोयले तथा पेट्रोलियम द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, देखिए जब कोयले और पेट्रोलियम आधारित ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल जलाए जाते हैं तो दहन के द्वारा विभिन्न उत्पाद उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। जब हम देखिए पेट्रोलियम और कोयले को जलाते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है? हमें पेट्रोल डीजल के जलाने पर कुछ दहन के बाद हमें कुछ अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यदि वायु दहन
कि अपर्याप्त पूर्ति में संपन्न होता है, तो कुछ मात्रा में CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगर क्या होता है, अगर वो टाइम से पहले या ऑक्सीजन के बिना ही अगर वो आग जल जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाती है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CO। इन ईंधनों के दहन के सभी उत्पादों में केवल जल ही हानिरहित है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जबकि शेष सभी उत्पाद हानिकारक और पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, अगर देखिए वहाँ पर जब हम किसी चीज़ का दहन कर रहे हैं, किसी चीज़ को जला रहे हैं, अगर वहाँ से हमें क्या हो रहा है, अगर वहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा में अगर वो जलाए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो हमारे पास लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। लेकिन अगर वहाँ से देखिए अगर उन्हें वायु नहीं मिल पाती ऑक्सीजन के संपर्क में ना आकर, अगर वो फिर दहन उसका किया जाता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो हमारे लिए इतनी हानिकारक नहीं होती है। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस नहीं है, परंतु यह हरित गृह गैस है जो पृथ्वी पर जाने वाले सूर्य के अवरक्त किरणों को रोकती है। जो सूर्य पर जाने वाली अवरक्त किरणें होती है क्या होती है, उनको रोकती है। अतः अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों का जलना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है, कि जितने अधिक भी हम ये जीवाश्म ईंधन यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ क्या कर रहा है, वायुमंडल में किसको बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है, जो खतरे की घंटी कह सकते हैं या कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक साबित होने वाला है, जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होने से भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। जिससे क्या होता है, हरित गृह प्रभाव होता है, इससे क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ से जाने वाली जो हमारे पास गर्म हवाएं हैं वो ओजोन परत से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है या उसमें वृद्धि हो रही है। कोयला तथा पेट्रोलियम का संचरण, देखिए कुछ सामान्य उपाय द्वारा कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन को काम कर सकते हैं, जैसे निम्नलिखित है, आवश्यकता न होने पर ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखे, टेलीविजन तथा दूसरे विद्युत उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अपना वाहन प्रयोग में लाने के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रेन आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा वाहन चलेंगे प्रदूषण उतना ही अधिक होता है, जितने कम वाहन चलते हैं उतना ही प्रदूषण कम होता है। लिफ्ट का प्रयोग करने के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए और हीटर या सिगड़ी का उपयोग करने के स्थान पर सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहन लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है और हमारे पास जो मात्राएं होती है उनकी कमी नहीं होती है, जिनका यूज़ हम आने वाले पीढ़ी के लिए या जीवन में कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जाना है कि जो पेट्रोलियम है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 40 वर्षों तक और उपलब्ध हो सकता है और कोयला सिर्फ 200 वर्षों तक, तो उसके बाद इनकी उपलब्धता कम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम इन्हें कहाँ से लेकर आएंगे, तो इसलिए इनका संरक्षण ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप कोई भी चीज़, हमें इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ है अगर मान लो उसका यूज़ नहीं है तो उसको हमेशा बंद कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया ट्यूबलाइट है, बल्ब है, पंखे, टेलीविजन है और दूसरे विद्युत उपकरण जो भी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलते हैं। बिजली बचाने के लिए ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ पर बिजली का हमें कम यूज़ करना पड़े। अपना वाहन प्रयोग में लाने के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस होती है, ट्रेन होती है, उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक देखिए आप गाड़ियाँ चलती हैं उतना ही ज़्यादा हमारे देश में क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। नंबर 4, लिफ्ट का प्रयोग करने के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा स्वास्थ्य जीवन भी बना हुआ रहता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बचत की जा सकती है। हीटर या सिगड़ी का उपयोग करने के स्थान पर सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए हम सर्दी लगने पर क्या होते हैं, हीटर ऑन कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, ठीक है, उससे काफ़ी कुछ हमारा नुकसान हो जाता है, हमारी बॉडी पर भी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। लेकिन अगर हम उसके स्थान पर क्या कर लेते हैं, एक अतिरिक्त स्वेटर पहन लेते हैं तो हमें इसको कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का दृश्यावलोकन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। इस मामले में हमें सभी दावेदारों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यक के दुख का कारण बन सकते हैं तथा इससे हमारे पर्यावरण का विनाश भी संभव है। जितना अधिक हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते जाएंगे उससे हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा खतरे में पड़ता जाएगा। कानून एवं नियमों से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि विकास का लाभ वर्तमान एवं सभी भावी पीढ़ियों को समान रूप से प्राप्त हो सके। हमें जितना भी इनका यूज़ किया जाना चाहिए वो बहुत ही ऐसी मात्रा में किया जाना चाहिए जो हम इनका उपयोग
हो, उपयोगी हो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, हम इनकी मात्रा को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी मात्रा पहले से ही सीमित है, और अगर हम इनका कम यूज़ करते हैं तो आने वाली पीढ़ी तक भी जितनी सुविधाएं हमें मिल रही हैं उतनी ही सुविधा उनको भी मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट आज ही हमारा चैप्टर देखिए कंप्लीट हो चुका है, आज हमारी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स का पोर्शन हमारा सारा आज कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। और बच्चों ये देखिए चेक पॉइंट जो है इनको मैंने आपको कहा है वो ना आप रफ कॉपी पर किया करके देखा कीजिए। थैंक यू।